सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर वन, नेचुरल चीजों में सुकून तलाश करें, आर्टिफिशियल नहीं। नंबर टू, रिश्तेदारी के अंदर भी इस चीज को ख्याल रखें कि जो कुदरत के बनाए हुए रिश्ते हैं उन रिश्तों में सुकून तलाश करें। नंबर तीन, कुदरती गिजाओं के अंदर सुकून तलाश करें। जब आप कुदरती चीजों की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपकी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आता चला जाएगा। अब इसी के साथ आखिरी बात, जहां कुदरती चीजों से आपको सुकून मिलेगा वहीं कुदरत से जब ताल्लुक अपना मजबूत कर लोगे तो भी आपको सुकून की दौलत नसीब होगी, और यह सबसे बड़ा ताल्लुक है, सबसे बड़ी चीज है। अब कैसे, अमेरिका का एक बाशिंदा मुस्लिम, बीवी से थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो जलाल ने आकर के उसने अपनी बीवी से कहा, मैं तेरा सुकून छीन लूंगा। तवज्जो चाहो, तेरा सुकून छीन लूंगा, तेरा जीना दुभर कर दूंगा। उस औरत ने मुस्कुरा करके कहा, ये तुम नहीं कर सकते। गुस्से में था शोहर, क्या कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारा जीना दुभर कर दूंगा, सुकून तुम्हारा छीन लूंगा। कहा, नहीं कर सकते। वो मुस्कुरा कर जवाब देती। उसने कहा, कैसे नहीं कर सकता? कहा, देखिए सुकून ईमान में है, ईमान दिल में है, और दिल पर कब्जा अल्लाह का है। सुकून ईमान में है, ईमान दिल में है, और दिल पर कब्जा मेरे रब का है। तुम चीजें छीन सकते हो, मेरे मौला ने दिल में जो ईमान रखा है वो नहीं छीन सकते। इसलिए तुम मुझे कुछ बेकरार नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरे सीने के अंदर ईमान मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरा मौला अजमत वाला, रिस्क वो देता है, इज्जत उसके दस्ते कुदरत में, जिल्लत उसके दस्ते कुदरत में, मालिकुल मुल्क वही है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है, तो फिर बेचैनी किस चीज की? अगर तलवार के साए में भी सहाबा मुतमईन नजर आते थे, वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो जानते थे हमारा मौला परवरदिगार ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। हमारा रिश्ता अपने रब से इतना कमजोर हो गया कि अब सारी दुनिया की चीजों पर भरोसा हो गया, रब से माज अल्लाह ताल्लुक भी कमजोर और उस पर भरोसा भी कमजोर हो गया। आप देखिए हमें जो रसूल अल्लाह ने अता फरमाया, वो रसूल कितने ताकतवर हैं। इशारे से चांद को चीर दे, डूबे हुए सूरज को पलटा दे, इतनी ताकत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और उस रसूल के उम्मती होते हुए हम बेचैन, हम बेकरार। अगर कोई ये समझता हो कि हालात की नासाजगारी की बुनियाद पर इस तरह बढ़ता जा रहा है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हालात मक्की दौर जैसे नहीं। वहां भी सहाबा मुतमईन नजर आते थे, ताल्लुक बिल्लाह था, ताल्लुक बिर रसूल था। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया जिसमें अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ी अनज़ला सकीनता फी कुलूबिल मुमिनीन, वही है जिसने मोमिनों के दिलों पर सुकून नाजिल फरमाया। मोमिनीन, ये कब आयत करीमा नाजिल हुई आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। मैदान जंग में लड़ते लड़ते सहाबा, खाना खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, इतने थक गए थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो रब ने उनको फ्रेश करने के लिए, सुकून की दौलत अता करने के लिए, जिस सवारी पर वो थे वहीं उनको नींद दे दी। उनकी आंख लग जाती है, और जैसे ही आंख लग गई थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश दोबारा हो गए, तो कौन है जिसने सुकून की दौलत अता फरमाई? वो मेरा मौला है, वो पालनहार हकीकी है। उससे रिश्ते को मजबूत करो,
उससे ताल्लुक को मजबूत करो और आर्टिफिशियल चीजों से आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आपके कल्ब को लाइट बिनान की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरा आज का पैगाम है। आपने महसूस कर लिया और आपने अपने अंदाजे के एतबार से जांचने की कोशिश की होगी तो आपने देख लिया होगा कि दुनिया की सारी चीजें होने के बावजूद अगर सुकून नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक कुदरत से और कुदरती चीजों से टूट गया और हम मादी चीजों के अंदर डूब गए, जिसकी वजह से सुकून खत्म हो चुका। अब आखिरी बात जिंदगी भर याद रखने के लिए अर्ज कर दूं, मान जहन के अंदर आ गई है तो मैं अर्ज कर दूं, सवाल पहले पूछता हूं, क्या ये दुनिया परमानेंट रहेगी कि खत्म हो जाएगी? थोड़ा सा जवाब दें आप, फिनिश हो जाएगा नहीं, फना होने वाली? अब एक सवाल पूछता हूं, इस फना होने वाली दुनिया से कितनी मोहब्बत है ना हमको, है कि नहीं? जवाब दीजिए आप। सुबह उठते दुनिया की, शाम होते ही दुनिया, दिन भर दुनिया, यहां तक कि ख्वाब में भी दुनिया, और थोड़ा आगे बढ़े तो गुंबदे खदरा के सामने भी दुनिया, सुनहरी जालियों के सामने भी दुनिया और खाने काबा के सामने भी दुनिया, और कोई उमरा और हज के लिए जा रहे हो तो दुआ भी दुनिया ही के लिए आदमी कराता है, इतनी दुनिया गालिब आ गई। बस ये जुमला जिंदगी पर याद रखना, ये चीज आप समझ गए, दुनिया फना होने वाली है और दुनिया की मोहब्बत का गलबा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। अब दूसरा क्वेश्चन, अल्लाह कभी फना होगा? वो हमेशा से है, और बोलिए हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम कितने बेवकूफ हैं, ये तारीखी जुमला कर रहा हूं, हम कितने बेवकूफ हैं, फना होने वाली दुनिया से तो मोहब्बत करते हैं, बाकी रहने वाले खुदा से मोहब्बत नहीं करते। जब बाकी रहने वाले खुदा से हम मोहब्बत करेंगे तो खुदा की कसम चटाई पर भी सुकून की नींद आएगी, अपनी रोटी पर भी हमें इत्मीनान नसीब हो जाएगा। इसलिए जरूरत ही सब्र की है, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करो और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आदमी सब कुछ सुकून के लिए करता है, लेकिन सुकून इसलिए नहीं है कि जंगल के अंदर जाकर मोती तलाश कर रहा है, दर हकीकत मोती दरिया के अंदर मिलता है। अल्लाह की वो चीजें, वो कुदरती चीजें जिसको अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया, बरकत के तौर पर बनाया, उसमें सुकून हासिल करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एयर कंडीशन इस्तेमाल मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नरम गद्दे इस्तेमाल ना करो, मतलब ये है कि आप अगर परफेक्ट सुकून चाहते हो तो अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, नेचुरल रिश्ते को मजबूत करो और हलाल चीजों की तरफ तवज्जो दो। ये जब सारी चीजें आप इस तरफ तवज्जो देंगे आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह सुकून। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।